नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप सिंह भाई फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अड्डा 43 पे। दोस्तों, हमारा 2 अक्टूबर का जो एग्जाम हुआ था, ट्रिपल सी का 2 अक्टूबर का एग्जाम, आप सभी को पता होगा एग्जाम शुरू हो चुके हैं अक्टूबर के और सभी लोग एग्जाम दे रहे हो बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छा एग्जाम जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन जो इस बार आया बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं। तो आज जो हम 2 अक्टूबर के एग्जाम है उसके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। 2 अक्टूबर का जो एग्जाम होता है उसके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलो देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं, ले चलते हैं आपको उस इजी क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, निम्न में से कौन सा केबल हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करता है। ये आपका इंटरनेट से क्वेश्चन है, इंटरनेट आप सभी लोग जानते हो, इंटरनेट से क्वेश्चन आपका ईथरनेट। आप जब पढ़ोगे तो आपको केबल के बारे में बताया जाएगा। गाइडेड इंटरडेड मीडिया होती है 2 प्रकार की, आपको मैंने पहले ही बता देता यूटीपी एसटीपी होती है, अनसोल्डेड ट्विस्टेड पेयर होती है, फिर उसके बाद सेल्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है। तो इसमें जो पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केबल्स वर्क्स ऑन हाई स्पीड इंटरनेट, क्या होगा, कोएक्स केबल होगा, फाइबर केबल होगा, क्योंकि ट्विस्टेड पेयर होगा, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल होगा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल होगा, और इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 1000 MB/s। अब सोच लो कितनी तगड़ी स्पीड होती है, 1000 MB एक सेकंड में ये शेयर करती है डाटा। और इसमें जो कनेक्टर यूज किया जाता है ये आप इसी वक्त सब कुछ जान लीजिए, SC ST का जो कनेक्टर होता है इसमें यूज किया जाता है, और ये सबसे फास्टेस्ट हाई स्पीड इंटरनेट चलाने के लिए केबल यूज किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। आप सभी को पता होना चाहिए इसका स्पीड कितना, अगर पूछ लेता है तो कितना होता है, 1000 MB/s होती है। और इसमें कनेक्टर कौन से यूज किए जाते हैं, SC और ST यूज किए जाते हैं। ठीक, समझ में आ गया आपको इतना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 रुपये के नोट का रंग कैसा होता है। ये क्वेश्चन भाई नोट से बहुत ज़्यादा पूछता है आपका, 2000 का हो गया, 500 का हो गया, 100 का हो गया, 50 का हो गया, 20 का हो गया, 10 का हो गया, जितना भी नया नोट है आपका वो होता है भाई, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग नोट को थोड़ा ध्यान में रख के चलना, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्न में से कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क टेपोलॉजी कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क टेपोलॉजी। बताइए क्या होगा, स्टार होगा कि आपका मेस होगा, मैस लिखा होना चाहिए, सॉरी मैस लिख गया है, मैस टेक्नोलॉजी होती है, फिर रिंग होगा कि ट्री होगा, बताइए क्या होगा इसका। कंप्लीट पूछ रहा है, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी पूछ रहा है इसमें। तो ये जो होगा आपका ये होगा मैस टेक्नोलॉजी जो होती है हमारी, कंप्लीट कनेक्टेड होती है, एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं वो हमेशा। ठीक, अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओ एस आई मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और कौन सी दूसरी लेयर के बीच में काम करता है। इन द OSI मॉडल, OSI का मतलब आप सभी लोग समझ लीजिए क्या होगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड होता है, OSI का फुल फॉर्म ये पूछा जाता है। नोट कर लीजिए, साथ में कॉपी कलम लेकर बैठिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका तत्काल जो अक्टूबर में हुआ है उसी का क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर से जो आपका 6 अक्टूबर का एग्जाम, 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर में, तो सारा का सारा क्वेश्चन मैंने पुट किया, लेकिन अधिकतर ये आपके 2 अक्टूबर के एग्जाम का ही है। ठीक, तो समझ में आ गया आपको इतना। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है OSI मॉडल यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड, इसका फुल फॉर्म होता है, आप सभी को पता है। OSI मॉडल कितनी होती हैं हमारी, 7 OSI मॉडल होती हैं, 7 OSI मॉडल होती है, आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले जो होती है हमारी फिजिकल OSI मॉडल होती है, फिर डाटा लिंक होता है, देन उसके बाद नेटवर्क होता है, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, फिर सेशन लेयर होता है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर होता है, फिर उसके बाद लास्ट में हमारा कौन सा होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है। और इसको काउंट कैसे किया जाए, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे काउंट किया जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ काउंट किया जाता है, ये भी ध्यान में रख लेना आप। और जो हमारा ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर होता है इसमें, जिसमें पूछ रहा है ये किस लेयर पे काम करता है, ये जो हमारा होता है ये 4 नंबर और 3 नंबर लेयर होता है, इसी से हमारा नेटवर्क चलता है, जो नेट हम चलाते हैं। तो इसमें बात क्या कह रहा है कि उसके बीच में कौन सी लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क के बीच में कौन सी लेयर होती है, क्वेश्चन ये पुटअप कर रहा है। तो जल्दी बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर। तो ये आपका जो होता है वो सेशन लेयर होता है, ये कान में ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर और कौन सी दूसरी लेयर बीच में होती है, तो ये जो होता है ये आपका सेशन लेयर होता है, जो इन दोनों के साथ में वर्क करता है। ठीक, समझ में आ गया आपका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 4 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब हम चित्रों के साथ पूरे वेब पेज को सेव करना चाहते हैं तो निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। वेब पेज HTML ओनली, उसी में है ऑल फाइल्स की, वेब पेज कंप्लीट की, टेक्स्ट फाइल, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कई बार मैंने सॉल्व करा चुका हूँ ये, आपका जो सितंबर का एग्जाम था उसमें कई बार पूछा गया है। तो ये आपका होता है वेब पेज कंप्लीट होता है। ठीक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यह लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट का आकार 12 है और एक पार्ट का चयन किया जाता है और सब स्क्रिप्ट में बदल दिया जाता है, तो
स्वरूपित पाठ का फॉन्ट आकार क्या होगा? अभी देखिए हिंदी में इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा है, इसलिए हम इंग्लिश पढ़ लेंगे, इंग्लिश से हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा अभी जल्दी जल्दी आंसर। इन दी फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज 12 एंड अ टेक्स्ट सिलेक्टेड एंड कन्वर्टेड टू स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट व्हाट विल बी द फॉन्ट साइज ऑफ फॉर्मेटेड टेक्स्ट? क्या होगा इसका राइट आंसर? 12 होगा कि 11 होगा कि 9 होगा कि 10 होगा, बताइए क्या होगा? तो इसका जो होगा आपका 12 ही होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 12। सात नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन विच द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म डू वी शेयर आवर व्यूज ऑन ए इंडिविजुअली सब्जेक्ट इज ट्विटर फेसबुक ब्लॉग कि नन? क्या होगा इसमें? किसी भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट को अपने हम अपने व्यू निम्न में से किस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आपका, इस बार जो क्वेश्चन अक्टूबर में हो रहा है बहुत इजी इजी क्वेश्चन सर्वर पुटअप कर रहा है, जान लो इस बार जिन्होंने डाला होगा बहुत ही अच्छा, जो कि सितंबर का एग्जाम था भाई वो बहुत टफ हो गया था, उसमें हमारा लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन इतना आया था, करंट का जो GK GS होता है उससे इतना क्वेश्चन आया था कि लड़के अधिक से अधिक फेल हो चुके हैं सितंबर में। तो अक्टूबर का एग्जाम जो है बहुत इजी एग्जाम गया है, अगर इसको आप लोग नहीं क्रैक कर पाए तो बेकार है फिर आपका पढ़ना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ये हम आपका ट्यूटर होता है उसमें हम अपना व्यू शेयर कर सकते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, तो ये आपको होगा ट्यूटर, ठीक। लिब्रे ऑफिस स्केल्स यानी कि एक्सेल की बात करें, लिब्रे ऑफिस स्केल्स की सहायता के लिए आप किस कुंजी का उपयोग करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया कि कोई भी अगर आपका सिस्टम ओपन है, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो सबके लिए सेम जो हेल्प की होती है वो आपकी F1 होती है, कभी भी F1 की पे देखना तो क्वेश्चन मार्क का सिंबल हमेशा बना रहता है, ठीक। तो क्वेश्चन मार्क का जो सिंबल होता है वो हमारा क्या दर्शाता है? हेल्प के लिए दर्शाता है। कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो उसका क्या होगा? सबसे पहले हमारा हेल्प जो होगा वो F1 होगा, ठीक, फंक्शन की। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपयोग में एक अधिक डेस्कटॉप बना सकते हैं, मल्टीपल डेस्कटॉप कैन बी क्रिएटेड यूजिंग टॉक्स बार आइकन, स्टोर आइकन, टॉक्स व्यू आइकन की टॉक्स रिव्यू आइकन, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका टॉक्स व्यू आइकन होगा, टॉक्स व्यू आइकन के उपयोग से एक अधिक डेस्कटॉप बनाए जा सकते हैं, यानी कि डेस्कटॉप जो होता है आपका इसे मल्टीपल पार्ट्स में कई डेस्कटॉप बना सकते हो, आप डेस्कटॉप के अंदर डेस्कटॉप बना सकते हो, वो होगा आपका टॉक्स व्यू आइकन से होता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, RTGS की अधिकतम लेन देन क्या होती है? तो RTGS का आप सभी लोगों को फुल फॉर्म पता होना चाहिए, RTGS का फुल फॉर्म जो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होती है, और ये पैसे के लेन देन के बीच में वर्क करता है, और इसमें अधिकतम लेन देन कितनी होती है जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत चक्कर सॉल्व करा चुका हूँ। तो इसकी जो अधिकतम लेन देन की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी शेयर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनग्रुप की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अनग्रुप की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो अनग्रुप की भाई जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है कंट्रोल आल्ट शिफ्ट जी होता है, ये आपका लिब्रे ऑफिस से ये क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत घुमा के पूछा इसने, अनग्रुप की शॉर्टकट कुंजी क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट कुंजी ऑफ शॉर्टकट की ऑफ अनग्रुप? तो इसका जो होगा कंट्रोल, कंट्रोल के साथ में आल्ट, फिर उसके बाद शिफ्ट, फिर उसके बाद जी, ठीक, समझ में आ गया आपको इतना। फिर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ कैन बी ओपन एमएस ऑफिस डायरेक्टली फ्रॉम रन कमांड? रन कमांड आप लोग जानते होगा, रन कमांड जो होता है ब्लैक सा होता है उसमें, उसी में होता है, तो रन कमांड के थ्रू हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, कैसे ऑन करते हैं अपना एमएस ऑफिस सीधे, हमको कीबोर्ड नहीं करना, रन कमांड से ओपन करना है अपने ऑफिस को, तो क्या होगा इसका बताइए। तो टाइपिंग binword.ex अपना आप एक्सटेंशन लेता है, आप कोई भी अगर रन कमांड खोलोगे तो एक्सटेंशन जो होता है हमारा लास्ट का वो होता है .exe, ये जो इंस्ट्रक्शन है आपका, और अभी आप क्या करोगे विंडो के साथ में, विंडो की आप लोग जानते हो, विंडो की के साथ में अगर आप R प्रेस करोगे, विंडो की के साथ में अगर आप R प्रेस करते हो, विंडो की के साथ में अगर आप R प्रेस करते हो तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा, डायलॉग्स बॉक्स ऐसे ओपन होके आएगा, उसमें क्या होता है, उसमें आप binword एक्सेल जो कुछ भी खोलना चाहते हो तो उसकी जो शॉर्टकट नेम होते हैं, जैसे MS Word का जो शॉर्टकट होता है, नाम होता है, वो होता है binword होता है, और एक्सेल का एक्सेल होता है, एक्सेल का तो सेम ही होता है, बट उसका जो होता है पावर पॉइंट का पावर PNT होता है, अगर पावर पॉइंट आपको ओपन करना है तो पावर लिखना, फिर PNT लिख के तब इंटर करोगे, तब आपका शॉर्टकट की से डायरेक्ट सीधे आपका एमएस वर्ड खुल जाएगा। तो क्या करना है, विंडो के साथ में आर प्रेस करना है, फिर उसके बाद क्या करना है आपको binword लिख देना है, एक्स की अपने आप को एक्सटेंशन ले लेगा, आप सीधे सीधे एमएस ऑफिस से आपका एक्सटेंशन मिल जाएगा, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा एमएस ऑफिस जो है binword आपका ओपन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, समझ में आ गया आपको। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? 3
13 है कि गूगल स्केचअप है कि फाइंड ट्रस्ट है कि ब्लेंडर, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये जो आपका होगा फेनेस्ट्रा होता है आपका 3D मॉडलिंग नहीं, क्योंकि इसमें आउट बाकी सब में आप 3D मॉडलिंग 3D टिन में कर सकते हो, गूगल स्केच में भी कर सकते हो, ब्लेंडर में भी आप 3D मॉडलिंग कर सकते हो। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर इसमें पूछ रहा नहीं है कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी ये तीन सॉफ्टवेयर आपके 3D मॉडलिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंट्रोल के साथ में ई का प्रयोग राइटर को किस के लिए किया जाता है, अलाइनमेंट्स पूछ रहा है। कंट्रोल के साथ में ई का प्रयोग किसके, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए किया जाता है कि राइट अलाइन के लिए किया जाता है, सेंटर का उपयोग किया जाता है कि नॉन। तो आप सभी को मैंने बता दिया था कंट्रोल के साथ में अगर ई आता है तो आपका सेंटर होता है, अगर एल आता है कंट्रोल के साथ में तो आपका लेफ्ट होता है अलाइन, और आर आता है तो राइट होता है, और जे आता है आपका तो जस्टिफाई होता है। ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मीन बाय बैंडविड्थ इन ए नेटवर्क, क्लास ऑफ आईपी यूज इन द नेटवर्क, नंबर ऑफ नंबर पोर्ट इन कंप्यूटर की कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन द नेटवर्क की ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल, क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी। नेटवर्क में बैंडविड्थ का अर्थ क्या था, बैंडविड्थ आप सभी लोग जानते होंगे, तो बैंडविड्थ का अर्थ क्या होता है नेटवर्क में कंप्यूटर के। 15 नंबर क्वेश्चन, तो इसका जो होता है ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, जो कुछ भी आप जो KBCB में मिलता है वो हमारा बैंडविड्थ का, नेटवर्क में बैंडविड्थ का अर्थ होता है, वो हमारा बैंडविड्थ होता है। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक मजबूत पासवर्ड है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग बता सकते हो इसमें से मजबूत पासवर्ड कौन सा है। 11 अगस्त 1999 की आई एप्पल है, फिर उसके बाद @ पासवर्ड है 25 जनवरी। तो इसमें जो सबसे कठिन आपका है ये होता है, क्योंकि इसमें आपका हैकर जो होते हैं, हैकर लोग भी इसको क्रैक नहीं कर पाते हैं। आई एप्पल के इसमें इसमें एक्सलामेट्री सिंबल्स लगा है, फिर उसके बाद एप्पल लिखा गया है, वैसे ये भी अच्छा, लेकिन जो सबसे डिफिकल्ट पासवर्ड माना गया है CCC में वो आपका बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, तो आपका बी होगा। ठीक, बी नहीं होगा सॉरी, क्योंकि एक्सलामेट्री एक ही सिंबल है तो इसको तो हर कोई क्रैक कर सकता है, तो बी नहीं होगा आपका, बी का कोई चांस नहीं बनता है। तो इसमें आपका जो होगा @, क्योंकि इसमें बहुत सारा मल्टीपल यूज किया गया है आपका, @ पास फिर 00ORD लिखा गया है, तो आपका ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें भाई एक्सलामेट्री सिंबल है, तो इससे तो आपको आराम से करेक्ट कर सकते हैं हैकर लोग, लेकिन इसमें करेक्ट करना, क्योंकि इसमें आपका क्या है अल्फ़ाबेट भी है, उसके बाद आपका अंक भी है, फिर एक सिंबल भी है, उसके बाद एक कैपिटल वर्ड भी है और स्मॉल वर्ड भी है, तो ये सब कुछ अलाउ करता है क्या एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, नॉट अ बी। ठीक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, NEFT किस वर्ष में शुरू हुई थी, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो NFT जो हुई थी हमारी 2005 में शुरू हुई थी, और ये भी पैसे की लेन देन का काम करती है। ठीक, जैसे RTGS आपका करता है, वैसे NFT भी हमारी पैसे की लेन देन के काम करती है। आप भीम के द्वारा एक दिन में कितने रुपए भेज, भीम UPI आप लोग सभी जो जानते हो, तो भीम UPI के द्वारा आप एक दिन में कितने रुपए भेज सकते हो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी बताइए। तो एक दिन में आप 40,000 भेज सकते हो, 40,000 रुपये एक बार में आप भेज सकते हो एक दिन में, चाहे आप मल्टीपल चक्कर भेजिए चाहे इकट्ठे ही भेज दीजिए। ठीक, एक दिन में कितने रुपए भेज सकते हो, तो आप 40,000 रुपये भेज सकते हो भीम UPI से आप। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर के साथ एक शक्तिशाली कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क सर्वर, फिर वर्क स्टेशन की मेन फ्रेम कंप्यूटर, कौन सा है आपका। तो आपका जो होता है वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विशेष उपकरण सॉफ्टवेयर के साथ में एक शक्तिशाली कंप्यूटर, तो सॉफ्टवेयर के साथ में आपका वर्क स्टेशन होता है, कि वर्क स्टेशन से हमारा सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क कंप्यूटर, सर्वर और मेन फ्रेम जो कुछ भी होता है वो हमारा वर्क स्टेशन से भी वर्क होता है, तो ये आपको होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब तक हमारे पास कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ बताइए, 5 पीढ़ियाँ तो मैंने बता ही दी थी आपको, बाकी अदर पीढ़ियाँ आई हैं कि नहीं आई हैं ये बताइए, क्योंकि गूगल में भाई तो 7, 7 जनरेशन, 8 जनरेशन भी देगा, तो गूगल की बात मत देखिए, क्योंकि गूगल में जो हम लोग फीड करेंगे भाई वही वो सर्च करके हमको दिखाएगा, जो कुछ भी गूगल में फीड किया जाता है, क्योंकि हम ही लोग इनपुट डाटा उस पर बनाते हैं, हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, फिर हम लोग जो ही डाटा इनपुट करते हैं तो वही हमको शो करता है। तो अभी तक जो मेन है वो हमारी 5 जनरेशन तक का ही कंप्यूटर हमने देखा है, 5th जनरेशन तक का, समझ में आ गई आपको। और इसमें यूज़ किया गया उसमें पाइपलाइन विधि यूज की गई है 5th जनरेशन कंप्यूटर में, जो हमारा रोबोट में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। RMDIR का क्या मतलब होता है, कई बार मैंने आपको सॉल्व किया है, तो RMDI जो होती है हमारी रिमूव द डायरेक्टरी होती है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। IPv6 कितने बिट का होता है, तो IPv6 आप सभी को पता है 128 बिट का होता है।
विंडो 10 में गेम बार की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? विंडो जी होती है कि विंडो के होती है कि विंडो जे होती है कि विंडो शिफ्ट जी होती है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आपका विंडो जी होती है। विंडो की आप लोग जानते हो ऐसे लोगो बना रहता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे बना होता है, ये होता है विंडो की आपका होता है। उसके साथ में आपको जी जब प्रेस करोगे तो आपका गेम बार की शॉर्टकट गेम बार ओपन हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राउंड से 175 कॉमा माइनस 2। ये क्वेश्चन भाई बहुत बार पूछा गया है और ये एक्सेल का क्वेश्चन है। ये मैंने देखा सितंबर के एग्जाम में भी आपका पूछा गया, फिर जुलाई में भी पूछा गया। ये बहुत चक्कर पूछा जाता है क्योंकि हमको लग रहा है सर्वर अपडेट नहीं किया गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत चक्कर पूछा गया और हर बार पूछा जाता है कि राउंड 175 कॉमा माइनस 2 का आंसर क्या होगा, मान क्या होगा, मान पूछ रहा है। तो इसका मान जो होता है वो आपका 200 होता है, ध्यान में आप लोग रख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भाई। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किसको विश्व का सबसे बड़ा हेड ऑफ क्लस्टर कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेड ऑफ क्लस्टर? ट्विटर को कहा जाता है कि लिंक्डइन को कहा जाता है कि गूगल को कि फेसबुक को? ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले ही वीडियो में 41 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सॉल्व कराया है और ये क्वेश्चन 2 अक्टूबर में पूछा गया है। तो क्या होगा बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो होता है भाई फेसबुक का सबसे ज़्यादा हेड ऑफ क्लस्टर का, क्योंकि फेसबुक के पास सबसे ज़्यादा यूजर हैं, आप सभी को पता होगा। कितने डाउनलोडर हैं उसके? 2.2 बिलियंस के अबव डाउनलोडर हैं, सोच लीजिए। तो उसके पास सबसे ज़्यादा, तो इसको क्या कहते हैं, हेड ऑफ क्लस्टर के नाम से जाना जाता है फेसबुक को। तो आज से एक नाम और जान लीजिए, फेसबुक का नाम क्या है? हेड ऑफ क्लस्टर, ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? मैंने आपको अभी बताई थी TCP/IP की लेयर कितनी होती हैं, 7 लेयरें होती हैं, 7 लेयर हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन क्यों नहीं दिया है? 2, 4, 6, 8, ये क्या चीज़ है भाई, 7 लेयर होती हैं। अच्छा TCP/IP पूछ रहा है, तो TCP/IP में आपके 4 लेयर ही होती हैं। TCP/IP जो होती है वो आपकी 4 लेयर होती है, ठीक। और बाकी जो होती है हमारी OSI की लेयर 7 होती है, OSI की लेयर जो होती है वो हमारी 7 होती है, और TCP/IP की आपकी लेयर जो होती है वो 4 लेयर ही होती है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोबाइल उपकरणों के लिए निम्न में से किस प्रकार का जोखिम सर्वोपरि है? फिजिकली की, नेटवर्क सिक्योरिटी की, एक्सेस एंड कॉरपोरेट इन्फॉर्मेशन की, इजी ऑफ डाउनलोड? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों है वो है इजी ऑफ डाउनलोड। मोबाइल उपकरणों के निम्न में से किस प्रकार की जोखिम होती है? इजी ऑफ डाउनलोड जो होता है आपका, बिना वेरीफाई किए अगर डाउनलोड करते हो कोई भी हार्मफुल APK कुछ भी डाउनलोड करते हो तो आपके क्या होता है, मोबाइल उपकरणों के लिए जोखिम उठाता है, आपको वार्निंग पहले देता है, दिस इज द हार्मफुल APK, उसमें बताता है आपको जब कुछ भी डाउनलोड करोगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? जावा, CSS की, कोबोल की, फोर्टन? बताइए क्या होगा? तो इसमें भाई सबसे पहले जो था आपका फोर्टन आया था, फोर ट्रेन होता है, फिर उसके बाद आपका सी आया, फिर उसके बाद जावा आया, बहुत सारी लैंग्वेज अब चलती हैं, अब सी से, अब तो पाइथन सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है आपकी, जो कुछ भी उपयोग हो जाए वो हमारा पाइथन पे क्रिएट किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेसिव? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रिंटिंग ए स्पीकर नोट्स अलॉन्ग विद द स्लाइड्स इमेज। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा ऑप्शन RPA में नहीं होता है? बारकोड स्कैनर, मैसेज भेजना, वेदर बताना, या पॉस इनवाइस टैगर? क्या होगा? तो इसका होगा वेदर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटोकॉल थ्रू द विच ऑडियो एंड वीडियो कैन बी सेंट ये ईमेल विद अटैचमेंट? तो ऑडियो वीडियो जो आपका होता है वो MIME होता है, MIME माइम जो होता है आपका, उसी में ऑडियो वीडियो आपका शेयर होता है, ईमेल में अटैचमेंट लगाते हो, तो ये प्रोटोकॉल आपका वर्क करता है माइम। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लिब्रे ऑफिस स्केल्स में स्प्रेडशीट की अधिकतम संख्या कितनी होती है? बताइए। 32 नंबर, तो ये आपका 32,000 होता है, लिब्रे ऑफिस स्केल्स में स्प्रेडशीट की अधिकतम संख्या आपकी 32,000 होती है, ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस वर्ष में स्थापित किया गया? अब ये देखिए आपका करंट अफेयर से पूछा गया है ये क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस वर्ष में स्थापित किया गया है, ये करंट अफेयर से है, तो 1956 में आपका स्थापित किया गया था ये। किसी को बार बार धमकी देने या परेशान करना क्या कहलाता है? ब्लूइंग कहलाता है, स्पूफिंग कहलाता है, कि फिशिंग कहलाता है, कि स्टॉकिंग कहलाता है? बताइए क्या होगा, कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? किसी को बार बार धमकी देना या परेशान करना क्या कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा स्टॉकिंग होता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक चार्ट में संपादित मतलब एडिट करना होता है, करने के लिए निम्न में से किसका अनुसरण किया जाता है?
तो इसमें जो आपका अनुसरण किया जाता है वो होगा चार्ट ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करके किया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ड के ऊपर लाइन को क्या कहते हैं, लाइन ओवर कहते हैं, अपर लाइन कहते हैं, कि लाइन ओवर द टेक्स्ट कहते हैं, कि ओवर लाइन कहते हैं। पता है बहुत ईजी क्वेश्चन, अगर आप इसको नहीं बता पाए तो बेकार है आपका पढ़ना। वर्ड के ऊपर अगर कोई लाइन होती है तो उसको क्या कहते हैं, आप सभी लोग बार बार बोलते हो तो इसको जो हम बोलते हैं वो कहते हैं ओवर लाइन। ओवर लाइन क्यों कर रहे हो, इससे अगर कोई लिखता है फिर उसके बाद वही फिर उसके ऊपर राइट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, ओवर लाइन बोला जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, शब्द के ऊपर लाइन को क्या कहते हैं, शब्द के ऊपर लाइन को क्या कहते हैं, अपर लाइन, ओवर लाइन, लाइन ओवर, क्या होगा इसका, इसका बताइए 37 नंबर का क्या होगा। तो 37 नंबर का आपका होगा बी ओवर लाइन होता है, क्वेश्चन को वही घुमा दिया है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड्रॉयड में टेलीग्राम के लिए कब लॉन्च, कब एंड्रॉयड पर टेलीग्राम ऐप कब लॉन्च किया गया, व्हेन वाज द टेलीग्राम ऐप लॉन्च ऑन एंड्रॉयड, एंड्रॉयड वर्जन पर टेलीग्राम कब लॉन्च किया गया, बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा। टेलीग्राम आप सभी लोग चलाते हो तो इसका जो होगा अक्टूबर 2013 में आपका लॉन्च किया गया था एंड्रॉयड में एप्लीकेशन, एंड्रॉयड पे टेलीग्राम एप्लीकेशन लॉन्च है। और टेलीग्राम जो होता है वो हमारा फास्ट काम, फास्ट चैटिंग ऐप। 39 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है। तो एक नेटवर्क में जो बैंडविड्थ का अर्थ अभी मैंने आपको पिछले सॉल्व कराया था, तो ये होता है कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन जो क्षमता होती है उसको मापने के लिए होता है। जो आप MBKB में स्पीड देखते हो उसी को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क की बैंडविड्थ कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमेजॉन द्वारा प्रदान की गई क्लाउड सेवा का क्या नाम है, पोर्टाना है कि एक्स है कि AWS की गूगल असिस्टेंट, क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा AWS है आपका, ऑस है जो अमेजॉन द्वारा क्लाउड सेवा को मापने के लिए है। स्क्रीन पर प्रदर्शित एकल बिंदु को क्या कहा जाता है, पिक्सल, एलिमेंट, सेल की नॉन, विच ऑफ द सिंगल डॉट्स डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन कॉल्ड पिक्सल, एलिमेंट, सेल की नॉन, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसको जो हम कहते हैं वो पिक्सल बोलते हैं, पिक्सल। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के चार प्रमुख कार्यों को सही क्रम है, प्रोसेसर होगा, पहले प्रोसेस होगा कि आउटपुट होगा, इनपुट स्टोरेज की, पहले इनपुट होगा आउटपुट होगा, फिर उसके बाद प्रोसेस स्टोरेज, फिर प्रोसेसर स्टोरेज, फिर इनपुट आउटपुट, इनपुट देन उसके बाद प्रोसेस, फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज। तो ऑप्शन सी डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम सबसे पहले इनपुट देंगे उसके बाद क्या करेगा CPU हमारा उस पर प्रोसेस करेगा, देन उसके बाद हमारे क्या करेगा, नहीं 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 यही है, फिर उसके बाद क्या करेगा स्टोर करता है सम टाइम के लिए, देन उसके बाद क्या करता है आउटपुट देता है अगर आप उसको स्टोर करना चाहते हो, फिर उसके बाद पूछता है अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हो तो स्टोर कर सकते हो। तो 42 नंबर का क्या होगा आपका, डी होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जिप फाइल का क्या आशय है, तो जिप फाइल आप सभी को पता होगा कि ये कंप्रेस्ड फाइल होती है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वर्चुअल रियलिटी, सेंसरी है कि फीडबैक, इनर्शन है कि इंटरवेटी है कि आर्ग्यूमेंशन से, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 44 नंबर का। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आर्ग्यूमेंशन होता है आपका, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 44 नंबर का। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रू फॉल्स से आ गया है, मोहक विज्ञापन पर क्लिक करने के लिए हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, ट्रू है कि फॉल्स है, बताइए। तो ये होता है आपका फॉल्स, मोहक विज्ञापन पर आप जो क्लिक करेंगे तो आपको परेशानी नहीं पड़ती है, पहला जल्दी जल्दी काम हो जाता है उस पर सब। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम डिस्प्ले सेटिंग को टेक्स्ट के आकार पर बदल सकते हैं, सही बात है, हम टेक्स्ट के आकार पर डिस्प्ले की सेटिंग को बदल सकते हैं, ट्रू है आपका ये। लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइटल बार में एक दस्तावेज के शीर्षक की फाइल का एक्सटेंशन भी शामिल होता है, रॉन्ग, कभी भी एक्सटेंशन शामिल नहीं होता है किसी भी दस्तावेज में शीर्षक का, फाल्स है आपका ये। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या हम लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस के टेम्पलेट स्टाइल हटा सकते हैं, ट्रू, हटा सकते हो आप, हम लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेसिंग शब्दों के बीच के गैप को घटा बढ़ा सकते हैं, ट्रू है आपका ये भी। 49 नंबर भी आपका ट्रू है। 50 नंबर क्वेश्चन है, कॉलिगर में स्पाइस वेयर होता है, तो ये भी आपका क्या है, ट्रू आंसर है, ठीक। फिर 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्लिप में पीपी वेयर बेहतर होती है, पीपीपी बेटर होती है, तो ट्रू है आपका। तो मैंने आपको 51 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन जो थे आपके क्या थे, 2 अक्टूबर को पूछे गए थे, तो 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर का सारा कॉम्बिनेशन, क्योंकि क्वेश्चन भाई जितने भी आते हैं वही क्वेश्चन मैं ऐड करके फिर आपको समझाता हूं कि ये क्वेश्चन आया है। अगर आप लोगों को भी क्वेश्चन देना है तो मेरा ईमेल ले लीजिए, apsingh9517 मेरा ईमेल है, उस पर आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, apsingh9517 मेरा ईमेल है, उस पर आप क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा, अगर आप लोग अक्टूबर में एग्जाम दे रहे हो तो।
तो जिन बच्चों का अभी अक्टूबर में एग्जाम है, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहा है, तो जिन बच्चों का अक्टूबर में एग्जाम है भाई, वो इस वीडियो को देखो यार, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये करंट क्वेश्चन है, सर्वर एक्टिवेट रहता है हमेशा, आपको पता होगा कि सर्वर एक्टिवेट रहता है तो क्वेश्चन जो होता है वो पीछे का ही क्वेश्चन वही बार बार रिपीट करके आता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाया नहीं जा सकता है, तो क्वेश्चन जितना भी रहता है वही घूम घूम के आपसे पूछा जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना और इसको अपने दोस्तों के बीच में भाई जरूर से जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके दोस्तों को भी बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो। अगर आप उनका एग्जाम है CCC की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। बाकी मैं आपको रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा, रेगुलर मैं आपको क्वेश्चन कराता रहूँगा, ताकि आपका जो नवंबर में एग्जाम है आपको कोई दिक्कत ना हो। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे भाई तभी तुमको पता लगेगा कि हमारे साथ हमारा जो पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप लाइक करोगे उससे मुझे थोड़ा बहुत मोटिव मिलता है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।